नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानशील एजुकेशन ट्रस्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट से और हमारे वॉलंटियर्स के हार्ड वर्क से हमने आर्ट सेंटर खोल लिए हैं, जिसमें हम अपने सेंटर एक उनमें से हम अपने एक सेंटर में आए जिसका नाम है अजन्मा, जिसमें हम आपको अपने बच्चों से मिलवाएंगे। और आपको पता ही है कि हम अपने बच्चों से मिलते रहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इतना कुछ सीख रहे हैं और इतना कुछ समझ रहे हैं। और उसमें से मैं सबसे पहली चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, हमारे बच्चों में कितना सुधार आया है। आइए दिखाती हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर है और हमारे इसमें बच्चों ने कितने अच्छे से अपनी सारी स्लीपर्स और जितने भी है ये सब उन्होंने कितने अच्छे से अरेंज कर रखी है। और ये रहे हमारे सारे बच्चे। हेलो बोलो साहब। हेलो। पढ़ने में मजा आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे सेंटर्स पे हम हर बच्चों को सारे सेंटर्स पे हम वो स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे रूपल शर्मा मैम जो दिल्ली में रहती हैं, उनको पता चला कि हमारे बच्चों को स्टेशनरी और कुछ नोटबुक्स की नीड है। तो आज हम अपने बच्चों के लिए नोटबुक लेके आए हैं। तो दें आपको हम नोटबुक। आप पढ़ोगे नोटबुक में? आप लीजिए सर, लीजिए। अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग? ध्यान लगा के पढ़ते हो? मैम जो पढ़ाती है समझ में आता है? मैम डांटती तो नहीं है? अच्छा, आप जिस सेंटर में पढ़ते हो क्या नाम है उस सेंटर का? जोर से बोलो, वीडियो पे आवाज आनी चाहिए। वेरी गुड। और यहाँ जिस ट्रस्ट में आप पढ़ते हो उस ट्रस्ट का क्या नाम है? अच्छा, वेलकम सर। एक तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट रूपल शर्मा मैम का धन्यवाद बोलना चाहूंगी, जो इतनी दूर होके भी हमारे हमेशा साथ रहती है और हमारी हर छोटी छोटी सी बात का ध्यान रखती है। और खासकर हमारा नहीं, वो हमारे बच्चों का ध्यान रखती है। जैसे उनको तुरंत पता चला तो उन्होंने तुरंत ही हमारे बच्चों के लिए नोटबुक्स प्रोवाइड करा दी। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम के लिए प्लीज एक बार आप थैंक यू बोलना। आप कैसे बोलेंगे? थैंक यू सो मच रूपल मैम। बोलिए थैंक यू सो मच रूपल मैम। अब आप लोग मल्ला आगे पढ़ेंगे? यस मैम। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।